दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मैं पिछले करीब 18 साल से अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, बिजनेस की सेल्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, मार्केटिंग स्किल्स और साथ में कैसे आपको मंच पर आके मोदी जी की तरह लोगों का एड्रेस करना है, इस पर 18 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर लिखे हुए नंबर को कॉल कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो ही चाहिए सिर्फ, आप इस कोर्स को नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा आप लोग। दोस्तों, मैं हर रोज 2 बारी लाइव हो रहा हूँ फेसबुक पर, यूट्यूब पर। अगर आपको अपने क्वेश्चन पूछने हैं तो नीचे के कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा। जब मैं लाइव होता हूं तभी मैं क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा तवज्जो देकर के, वेटेज देकर के मैं उसको एड्रेस करूंगा। दोस्तों, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलूंगा। मैं जानता हूं मेरी वॉइस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिबल है, वो समझ में आ सकती है। जल्दी बोलने का तात्पर्य मेरे सिर्फ इतना है ताकि मेरी वीडियो जो है वो कम से कम रहे, छोटी छोटी रहे। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, बहुत सारी ट्रेनिंग लेकर के मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन आज जो मैं आपको 2 कहानियां बताने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी को बदला है, ये वो 2 सेमिनार है जो कि मैंने अटेंड किए थे बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं राजेंद्र सिंह से। इनको शायद आपने नाम भी सुना हो, इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह मेरठ डिस्ट्रिक्ट के पास के रहने वाले हैं। 1985 में, अब से करीब 33 साल पहले, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास करीब 20-25 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में गए अपने 4 दोस्तों के साथ में, और वहां पर जाके इन्होंने वहां के गांव वालों को एड्रेस करना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद एक बुरा सा इंसान खड़ा हुआ, उसने कहा भी हमको ये पढ़ाई लिखाई, ये समाज सुधार नहीं चाहिए, हमारे गांव को तो चाहिए भैया पानी। हमारे गांव की गृहणियां 25-25 किलोमीटर दूर जावे हैं, सर पर घड़ा भर करके पानी लेके आए, और आने तक आधा पानी तो वैसे खत्म हो जावे, अगर कुछ कर सके हमारे गांव के लिए तो पानी लेके आ, अगर तू पानी लेके आएगा तो जो तू कहेगा तेरी बात को मान लेंगे। अब पानी को कैसे लेके आना ये मैं तुम्हें बताता हूं। गांव के बाहर तुम देख रहे हो दूर एक पहाड़ी है, तुम जाओ उस पहाड़ी के ऊपर, वहां पर नहरें बनाओ, पहले से नहरें थी, उन नहरों को बनाओ, नीचे एक जोहर, नीचे पॉन्ड बनाओ, जिसमें तालाब बनाओ, जिसमें जब भी बादल आएंगे टकरा करके जो पानी आएगा वो रिश्ता हुआ सीधा आएगा पॉन्ड के अंदर, जोहर के अंदर आएगा, उसको हम लोग पीने में प्रयोग करेंगे, जब पीने के लिए हमारे पास होगा तो जो तू कहेगा तेरी बात को मान लेंगे। राजन सिंह और उनके 4 दोस्तों ने उस बूढ़े को, उन सब गांव वालों को समझाने की कोशिश करी कि हम लोग सोशल वर्कर्स हैं, हम लोग अध्यापक हैं, हम लोग कोई मजदूर नहीं है कि हम लोग ये सारा काम कर सके, ये हम लोग नहीं जानते, कर नहीं सकते। लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हुए, हम लोग तुम्हें रहने के लिए जगह देंगे, खाना देंगे, लेकिन पैसा नहीं दे पाएंगे, करना है तो बताओ। ये 5ों ने मीटिंग बिठाई और अल्टीमेटली रात के 9 बजे इन लोगों ने डिक्लेयर किया कि ठीक है, अच्छा जो भी मैं आपको फैक्ट दे रहा हूं ये हो सकता है कि पूरी तरह करेक्ट ना हो, क्योंकि इन दोनों सेमिनार्स को मैंने 15-20-25 साल पहले सुना था, तो हो सकता है करेक्ट पूरे भी ना भी हो पाए। एनीवेज, लेकिन सही है, एक्यूरेट है, बहुत हद तक सही है, 95-98% ये करेक्ट है। तो इन 5ों ने डिसाइड किया कि ठीक है, रात के 9 बजे कि ठीक है हम लोग इस काम पर करेंगे। इनको रहने के लिए जगह मिली और ये 5ों के 5ों उस जगह में, उस झोपड़ी में जाके सो गए। रात को 2 बजे राजन सिंह को उनके 2 दोस्तों ने जगाया। हे राजेंद्र, उठो उठो राजेंद्र, भैया ऐसा है कि तुम में मोटिवेशन है, तुम में जोश है, तुम तो बिल्कुल कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। इससे पहले कि गांव वाले जा रहे हैं, हम लोग तो चले अपने देश। राजन सिंह ने और बाकी दोनों ने उनको रोकने की कोशिश करी, भैया कहां जा रहे हो, 5ों काम करेंगे तो 5-7 सालों में काम हो जाएगा, अगर 3 रहेगा तो कम से कम 20-25 साल लगेगा, अरे भैया मत जाओ। लेकिन वो दोनों के दोनों नहीं रुके, अल्टीमेटली वो चले गए और ये 3ों के 3ों सो गए। सुबह 6 बजे जब राजन सिंह जागे, उन्हें लेफ्ट की तरफ देखा, राइट की तरफ देखा, अरे ये क्या, बिल्कुल आप लोग सही समझ चुके हैं, बाकी दोनों भी भाग चुके थे, निकल चुके थे। अब रह गए राजन सिंह अकेले। ये अकेले उठे, तैयार हुए, उस बूढ़े के घर पे पहुंचे और वही हुआ, बूढ़े ने जब देखा कि 5 में से 1 रह गया है तो बहुत हंसा। एनीवेज, उसने उनको फावड़ा दिया और साथ में उसको ब्रेकफास्ट दिया, साथ में लंच दिया, और फावड़े को, भारी से फावड़े को कंधे पर रख के वो चल पड़े गांव के बाहर, चलते चलते उस पहाड़ी पे पहुंचे, और चलते चलते ऊपर पहुंचते हुए 11-12-1 बज गया होगा उनको। वहां पहुंचे, सांस लिया, उसके बाद खोदना शुरू किया। एक अध्यापक, एक समाज सुधारक अगर खोदेगा भी, लेबर का काम करेगा तो कितना करेगा, थोड़ा सा उसने चौड़ा, थोड़ा सा गहरा, थोड़ा सा लंबा उसने खड्डा खोदा। जब शाम को वापस लौट के आया तो गांव वालों को पता था, क्योंकि उनमें से बहुत सारे गांव वाले ऊपर ठेलियां काटे के ले जाया करते थे, उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। अब सोच के देखिए, वो इंसान जिसका कोई मित्र ना हो, वो इंसान जिसको कोई पैसा ना मिलता हो, वो इंसान अपने घर से बहुत दूर हो और क्या कर रहा हो, सब गड्ढे खोद रहा हो। मांझी की कहानी आपने सुनी है, मांझी की कहानी है ना, जिसमें उसने पहाड़ को काटा था, बिल्कुल वैसा ही इसने काम किया है। खैर जी, अगले दिन फिर ये पहुंचा, अगले दिन फिर वो वहां पर गया, गड्ढा खोदता गया। राम सिंह कहते हैं, कई महीनों तक मैं काम करता रहा,
मुझे बहुत मुश्किलें आई, मुझे फीवर हुआ, मुझे बुखार हुआ, कितनी बार मैं बेड पर पड़ा रहा, कभी मुझे कोई भी एक अच्छा शब्द वहां पर सुनने को नहीं मिला। कितनी मुश्किलें मुझे आई लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत महीनों के बाद एक दिन गांव का एक जवान मेरे पास आया और उसने कहा, रविंदर कल से मैं आपके साथ में चलूंगा। लो जी, एक के हो गए दो, दो के हो गए चार, चार के हो गए दस, दस के हो गए पचास, सौ, बहुत सारे लोग उनके साथ में जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए। उस काम को जिसको 20, 30, 40 साल लगने थे, वो काम मात्र कुछ एक महीनों में पूरा हो गया। नहरें बनी, नीचे जोहड़ यानी कि तालाब पौंड बने, बादल आए, टकराए, पानी आया और बिल्कुल वही जो उस बूढ़े ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। इन लोगों ने न सिर्फ उस पानी को पीने के लिए यूज किया, इरीगेशन में खेती बाड़ी के लिए भी यूज किया। धीरे धीरे ये खबर जो थी आसपास के गांव वालों तक पहुंची, वो भी आने लगे, वो भी कहने लगे, रंजन सिंह हमें भी हेल्प करो। और क्योंकि ये सोशल एक्टिविस्ट था, इसने बाकी गांव वालों की भी हेल्प करी। करते करते ये खबर जो थी वो बिजली की तरफ पहुंची दिल्ली, और दिल्ली से पहुंची सीधा फिलीपींस। और सन 2001 में, अब से करीब 17 साल पहले, रंजन सिंह को मिला मैगासेसे अवार्ड। सन 2002 या 2003 की बात है, जब मैं तालकुड़ा स्टेडियम में दिल्ली के वहां पर इस सेमिनार को मैं देख रहा था, रण सिंह मंच पर आए। करीब पौना एक घंटा उन्होंने पूरी की पूरी कहानी अपनी बताई, वो सारी मुश्किलें बताई जो उनके सामने आई उन 15, 16, 17 सालों में, जब तक उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली। वो बहुत मुश्किलें आई, उन सब मुश्किलों को बताया उन्होंने, और उसके बाद जाते हुए मंच से उतरते हुए उन्होंने एक संदेशा दिया जो मैं आपको लोगों को कहना चाहता हूं, जिससे मेरी जिंदगी काफी हद तक बदला है। उन सब की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि देखो दोस्तों, या तो अपने मन में कोई संकल्प करो, नहीं सोच लो, कोई रिजोल्यूशन है मत रखो, रिजोल्यूशन मत रखो, कोई गोल सेटिंग कुछ मत डिसाइड करो, लेकिन अगर कभी कोई संकल्प किया है, सोचा है कि ये करना है, गोल है, कोई रिजोल्यूशन लिया है, या तो संकल्प करो नहीं, और अगर संकल्प किया है तो उसका कोई विकल्प ना ढूंढो। आज हमारे सामने जब भी हम लोग कुछ डिसाइड करते हैं, एक चीज हम लोग डिसाइड करते हैं, उसी वक्त हमारे पास उसके बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा, शायद हमको ये करना चाहिए। नो नो नो, मुझे ये करना, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये करना चाहिए। आंखों के दोनों तरफ जैसे घोड़े के ब्लिंकर लगे होते हैं, बिल्कुल वैसे ब्लिंकर लगा लीजिए ताकि आपकी नजर जो है वो सिर्फ सामने की तरफ जाए। या तो संकल्प करो नहीं, और अगर संकल्प किया है तो उसका विकल्प ना ढूंढो। अगली जो कहानी है जिसने मुझे झकझोर के रखा हुआ है, वो इस कहानी से भी पुरानी है। इसने मुझे बहुत जबरदस्त लेसन मुझे दिए हैं, करीब चार लेसन इस कहानी के अंदर मुझे मिलते हैं। मैं लेकर चलता हूं आपको 1971 की वॉर, जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी, 13 दिन की वॉर थी। और इयान कार्डोज़ो, ये नाम आपको फिरंगी लगता है लेकिन वेरी मच ये इंडियन है, हमारी दिल्ली के ही हैं, द्वारका में रहते हैं। इयान कार्डोज़ो 1971 के अंदर ये एकदम वॉर पे थे, बॉर्डर पे थे इंडिया बांग्लादेश के, और तब गलती से इनका पैर जो था एक लैंडमाइन के ऊपर पड़ा, उनकी टांग जो थी उड़ गई। इनको पास के कैंप में ले जाया गया जहां पर कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्स नहीं थी, इनके सिर्फ अपने सोल्जर से, इनके अपने कुलीग्स थे, अपने बाकी के सैनिक थे। जब जहर जो था पूरी बॉडी में फैलने लगा तो इन्होंने सबसे कहा कि भाई कोई मेडिसिन दो, मेडिसिन वहां पर थी नहीं। उन्होंने कहा चलो और कुछ नहीं तो उठा के मेरी टांग को काट दो। सबने मना कर दिया कि हम लोग टांग को नहीं काट सकते। बहुत रिक्वेस्ट के बाद जब सबने मना कर दिया, इन्होंने अपनी खुरकी निकाली, अपना चाकू निकाला और एक ही वार में अपनी टांग। मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक सुई आप लोग खुसो सकते हैं अपने शरीर के अंदर? बहुत मुश्किल है खुद डालना अपने। इन्होंने अपनी पूरी की पूरी खुरकी से अपनी पूरी टांग को काट दिया और फिर बाकी सोल्जर को कहा जाओ इस टांग को जाके उठा के बरी कर दो। कहानी यहां पर अभी खत्म नहीं होती है, कहानी तो यहां से शुरू होती है कुछ एक महीनों के बाद। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैंने इनको खुद साक्षात्कार किया हुआ है अब से 20 साल पहले, श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम के अंदर एक सेमिनार में आए हुए थे, तो अपनी पूरी कहानी इन्होंने बताई। तो कुछ महीनों के बाद जब एक्सीडेंट के साथ में हुआ जिसमें खुरकी से अपने टांग को इन्होंने काटा था, इयान कार्डोज़ो अपने सीनियर्स के साथ में कुछ महीनों या एक डेढ़ साल के बाद ये मुंबई के किसी बीच पर उनके सीनियर्स के साथ, उनके बच्चों के साथ में वहां पर पिकनिक ले रहे थे कि अचानक उनके जो बच्चे थे दो, वो गलती से पानी के अंदर गए और पानी ने उनको खींच लिया। सैनिक भागे भागे आए, सर बच्चे बच्चे। फौरन इयान कार्डोज़ो अपनी एक टांग पर खड़े हुए, दोनों हाथ अपने दोनों सोल्जर के ऊपर रखे और सीधा पानी में जाके वहां पर छलांग मार दी। एक टांग दो हाथ से तैरते 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 वो वहां पर गए, सोचा नहीं एक बार भी, सोच के देखिए, एक बार सोचा नहीं। जैसे ही पता लगा कि बच्चे पानी में बह रहे हैं, कुछ नहीं सोचा, छलांग मारी, वहां पहुंचे, दोनों बच्चों को बालों से पकड़ा और एक टांग से तैरते तैरते, पास में बड़ी बड़ी चट्टानें थी, वहां बजा के बच्चों को चढ़ाया और खुद वापस तैरते तैरते बीच पर आए जहां से सैनिक गए और बच्चों को उठा के लेके आए। है ना एग्जाम्पल झकझोरने वाला। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, बात अभी भी शुरू हुई है, बहुत बड़ी बात तो अभी आने वाली है। अब आगे सुने क्या हुआ। इन्होंने अपने सीनियर से कहा कि मुझे आर्मी में वापस लिया जाए, सब ने मना कर दिया।
और खासकर जो इनका सीनियर था, जो एक डॉक्टर था, उसने कहा बिल्कुल किसी भी हालत में मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें आर्मी में आना है तो तुम्हारे जो टेस्ट होंगे बहुत ज्यादा रिगरस हुआ करते हैं। ऊपर से ये डिसेबल थे, टांग इनकी थी नहीं, लकड़ी की टांग इनकी थी। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो ऐसे में वो जो डॉक्टर था वो जबरदस्त वो हाइपर हो गया। उसने कहा एक साल पहले इसी ढंग से किसी इंसान ने दो टांगों के अंदर इस टेस्ट को लिया था और उसकी डेथ हो गई है, मैं तुम्हें अंडर अरेस्ट कर लूंगा अगर तुमने ज्यादा इंसिस्ट किया। ऐसे में यान कार्डोज़ो कहते हैं आप मुझे अंडर अरेस्ट तो करोगे, शुरू करोगे, लेकिन जब मैं इसको कमिट करूंगा तो पहले मुझे कमिट तो करने दीजिए, ये टेस्ट तो लेने दीजिए, उसके बाद मुझे अरेस्ट कर लेना। डॉक्टर के पास कोई और जवाब था नहीं, उसको सारे के सारे टेस्ट लेने पड़े और क्या नतीजा निकला, उन्होंने सात और लोगों को, सात और ऑफिसर को जिनकी पूरी दो टांगे थी उनसे भी आगे बढ़ के दिखाया। फिर भी बात यहां कंप्लीट नहीं होती है। कुछ एक दिनों के बाद उनके सीनियर्स को जब यह बात पता चली तो उन्होंने उनको जेएनके में एक जगह पर इनवाइट किया। 6000 फीट की हाइट पर एक हेलीपैड लगा हुआ था, रोड बहुत नीचे थी, उस हेलीपैड से बहुत बड़ा माउंटेन था। यान कार्डोज़ो उस माउंटेन को बिना किसी रोड के क्लाइंब कर करके ऊपर, बहुत ऊपर से उस पहाड़ तक पहुंचे हेलीपैड पर। जब वो हेलीकॉप्टर आया, उस सीनियर ने उनसे पूछा यहां पर तुम कैसे पहुंचे, किसी हेलीकॉप्टर से पहुंचे हो? उसने कहा नहीं, मैं चढ़ के पहुंचा हूं। कहते क्या तुम वहां से यहां पर लकड़ी की टांग में आए हो? एक इंसान जिसकी दो टांगे होगी वो भी नहीं आएगा, तुम लकड़ी की टांग से यहां पहुंचे हो। उसके बाद उनका थर्ड एक और टेस्ट दिया गया, अब की बार उनको जेएनके में ही और ऊपर ले जाया गया माउंटेन्स में, जहां पर स्नो और आइस थी, और माउंटेन्स में स्नो और आइस के ऊपर बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह वो अपने सीनियर के साथ में कई किलोमीटर तक चलते गए कि थक हार कर इनके सीनियर्स को उनको दोबारा आर्मी लेना पड़ा, और वो पहले इंसान थे जिनकी टांग ना होते हुए एक लकड़ी की टांग में उनको दोबारा से आर्मी में लिया गया, और कितने ही मेडल उनको मिले हैं अगर मैं आपको बता दूं, शायद यहीं पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यान कार्डोज़ो अपने इंटरव्यू में कहते हैं मैं आप लोगों को, आज के यूथ को, आज के हर इंसान को चार संदेश देना चाहता हूं। पहला संदेश, आपकी जिंदगी जो है आपको सिर्फ एक बार मिली है, इस एक जिंदगी को जितना जी सकते हो, एक एक सेकंड को, एक एक सेकंड को, एक एक दिन को जीना सीखिए, इसको जितना जी सकते हैं लिव इट टू द फुल। नंबर टू संदेश वो कहते हैं यान कार्डोज़ो, वो कहते हैं 24 घंटे मिले हैं, इस 24 घंटे के अंदर जितना ज्यादा काम कर सकते हो उतने काम को करो। तीसरा वो कहते हैं कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, नेवर 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 गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना है, कभी भी घुटनों को टेकना नहीं है, जब भी मुश्किलें आए फौरन खड़े होइए, फिर भागिए, फिर गिर जाएं, फिर खड़े हो, फिर भागो। कहते सुबह सुबह जब मैं उठ करके एक्सरसाइज किया करता था उस लकड़ी की टांग के साथ में, मुझे बहुत मुश्किलें आती थी लेकिन दिल में एक विश्वास था कि हां मैं कर सकता हूं, मैं गिव अप करने वाला नहीं हूं, पूरा विश्वास मुझे अपने अंदर है। तो ही सेज नेवर गिव अप, बहुत मुश्किलें आएंगी लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी एक है, इसमें जितना कर सकते हो करो। और चौथा संदेश जो वो कहते हैं कि अगर जो काम तुम कर रहे हो उसके अंदर तुम्हें ट्रस्ट है, बिलीव है कि हाँ वो काम सही है जो मैं करने जा रहा हूं, चाहे देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अगर पूरा विश्वास रखते हो सही टाइम पर, सही समय पर, वो कहते हैं सही टाइम पर, सही समय पर काम को करना, कोई भी शॉर्टकट मत मांगना। दोस्तों मैं दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट में जाके आप जरूर लिखिएगा अपने क्वेश्चंस को, मैं इन क्वेश्चन को जरूर एड्रेस करूंगा। दिन में दो बारी मैं लाइव हो रहा हूं, एक बारी यूट्यूब पर और एक बारी फेसबुक पर, और अपने क्वेश्चन को आप पूछे और इन क्वेश्चन को मैं आपके जब भी लाइव होगा उसमें आपको जरूर आंसर देने की कोशिश करूंगा। आप वहां पर भी जाकर अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, लेकिन वहां पर काफी क्वेश्चन आए होते हैं इस कारण से कई बार मैं आपके आंसर नहीं दे पाता हूं। और अगर आप इसी वीडियो को चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर आपने पुश करना है, और मैं आपको इसी प्रकार से वीडियो देता रहूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के दिन, आज के समय, गुड नाइट।